गीता माँ। जी हाँ, कौन नहीं जानता गीता माँ को। अक्सर डांस रियलिटी शो को जज करती हुई नजर आती है। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी। महज 15 साल की उम्र में मुकाम बहुत लेट हासिल हुआ, लेकिन जितना भी हासिल हुआ आज अपनी जिंदगी में खुश है। आपको बता दें, गीता माँ का आज बर्थडे है। इसी खास मौके पर उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है। जी हाँ, हाल ही में कुछ दिन पहले ही उनकी कुछ तस्वीरें वायरल हुई, जहां पर वो मांग में सिंदूर भरती हुई नजर आ रही है। अक्सर वो अपनी शादीशुदा अंदाज में रहती है, लेकिन वो कुंवारी है, तो आखिर वो मांग में सिंदूर किसके नाम का भरती है? ये तो बिल्कुल रेखा जैसी बात हो गई। जैसे रेखा भी मांग में सिंदूर भरती है, वहीं उनके बॉयफ्रेंड और गीता की कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई हैं। तो क्या गीता ने शादी कर ली है? फैंस जानना चाहते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में। आज इस खास वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ उनके बर्थडे पे मौके पर कि आखिर क्या उनकी शादी हो गई है या उनके बॉयफ्रेंड से उन्होंने शादी कर ली है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर गीता कपूर का आज बर्थडे है। गीता कपूर आज अपना 48वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। इन दिनों वो सुपर डांसर चैप्टर 4 में बतौर जज नजर आ रही हैं। गीता कपूर को लोग गीता माँ के नाम से भी जानते हैं। इंडस्ट्री में अधिकतर लोग उन्हें यही कहकर बुलाते हैं और उनके शो के कंटेस्टेंट भी उन्हें माँ ही कहकर बुलाते हैं। हालांकि आज तक गीता कपूर ने शादी नहीं की है, लेकिन कई बार उन्हें मांग में सिंदूर भरे देखा गया, जिससे उन्होंने हर किसी को हैरान कर दिया। बता दें, गीता कपूर को ऐसा करते देख लोग इसलिए हैरान हो जाते हैं क्योंकि अभी तक उन्होंने शादी नहीं की। हाल ही में एक बार फिर गीता कपूर को मांग में सिंदूर भरे देखा गया था। रेड सूट और मांग में लाल सिंदूर के साथ उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिन्हें उन्होंने खुद ही शेयर किया था। इन तस्वीरों के वायरल होते ही वो चर्चा में आ गई। उनकी शादी की खबरों ने जोर पकड़ लिया और सर्च इंजन गूगल पर लोग उनके पति की तलाश में जुट गए। हालांकि बाद में खुद गीता कपूर ने सिंदूर लगाने की वजह का खुलासा कर दिया था और बताया कि उन्होंने वो अवतार सिर्फ शूट के लिए लिया था। हालांकि ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने ऐसा करके फैंस को हैरान किया। इससे पहले भी उन्होंने सिंदूर लगाए सबको चौंका दिया। कोरियोग्राफर को लेकर कई बार दावा किया गया कि वो कभी एक शख्स की मोहब्बत में थी, लेकिन उनकी मोहब्बत मुकम्मल नहीं हो सकी। गीता कपूर ने खुद इस शख्स के साथ अपनी फोटोज को शेयर किया था और सोशल मीडिया पर फैंस ने दोनों को एक जोड़ी बताते हुए खूब प्यार भी दिया था। बता दें, इस शख्स का नाम राजीव खिंची है। राजीव खिंची के साथ गीता कपूर की कई फोटोज सामने आई थी। राजीव पेशे से एक मॉडल है और लंबे समय से मनोरंजन जगत में एक्टिंग कर रहे हैं। गीता कपूर और राजीव खिंची के रिलेशनशिप की खबरों ने सोशल मीडिया पर काफी चर्चा बटोरी थी। हालांकि गीता कपूर ने राजीव खिंची के साथ रिलेशनशिप में होने की खबरों को खारिज कर दिया था। वहीं वर्क फ्रेंड की बात करें तो गीता कपूर ने 15 साल की उम्र में ही अपने डांसिंग करियर की शुरुआत कर दी थी। उन्होंने तुझे याद ना मेरी आए और गोरी गोरी जैसे धमाकेदार सॉन्ग्स में बतौर बैकग्राउंड डांसर के तौर पर भी काम किया है। इसके बाद उन्होंने फराह खान को असिस्ट करना शुरू किया। फराह खान को गीता कपूर ने मोहब्बतें कल हो ना हो, कभी खुशी कभी गम, मैं हूं ना और ओम शांति ओम जैसी फिल्मों में असिस्ट किया, जिसके बाद फिजा, साथिया, हे बेबी और 30 मार खां के फेमस गाने शीला की जवानी जैसे गानों को उन्होंने कोरियोग्राफ किया। वहीं गीता कपूर कई रियलिटी शो में बतौर जज भी नजर आ चुकी हैं। जब उनसे शादी की बात पूछी जाती है तो वो उसे टाल देती हैं। गीता कपूर की शादी का तो पता नहीं, लेकिन वो एक मॉडल को डेट जरूर कर रही थी। बता दें, वो मॉडल राजीव खिंची के साथ रिलेशनशिप में थी। बॉलीवुड गलियारों में भी इनके प्यार के खूब चर्चे थे। कई बार गीता राजीव के साथ दिखाई भी दी है। हालांकि इन दोनों की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई बयान नहीं आया था।
गीता और राजीव के साथ में तस्वीरों को आधार मानते हुए मीडिया के गलियारों में इन दोनों के बीच अफेयर का दावा किया जा रहा था। कहा तो यहाँ तक गया कि गीता ने राजीव से शादी तक कर रखी है। उसके बाद यहाँ तक कहा गया कि गीता और राजीव का ब्रेकअप हो गया। राजीव ने गीता को धोखा दिया जिससे गीता का दिल टूट गया। वहीं आपको बता दें कि उनके बर्थडे पे मौके पर फिर से उनकी कुछ सिंदूर वाली तस्वीरें वायरल हुई जिसपे उनके फैंस अब जानना चाहते हैं आखिर गीता सच में शूट के लिए ही सिंदूर लगाती हैं या फिर उनकी सच में शादी हो रखी है। वहीं बताते हैं गीता कपूर ने भले ही अपनी शादी की बातों को गलत साबित किया, वहीं लेकिन गीता कपूर कुंवारी है और आज भी काफी कमाई करती है। फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर कोरियोग्राफर और डांसर कपूर किसी पहचान की मोहताज नहीं है। दुनिया उन्हें प्यार से गीता माँ भी बुलाती है। छोटे पर्दे पर लगभग डांसिंग रियलिटी शो में जज की भूमिका निभाने के साथ साथ आपको बता दें वो अपनी पर्सनल लाइफ से बहुत कमाती है। इंडस्ट्री में नाम बनाने के लिए गीता ने बहुत मेहनत की। एक वक्त था जब वो एक्टर एक्ट्रेस की बैकग्राउंड डांसर हुआ करती थी। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में दम तारा, मुझे याद, दम एरिया इन सब गानों में डांस किया। वहीं गीता माँ की मेहनत ने उन्हें आज वो मुकाम दे ही दिया जिसकी वो सबसे ज्यादा हकदार थी। क्या आपको पता है कि गीता कपूर करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है? जी हाँ, आज गीता माँ के पास पूरे 22 करोड़ की ज्यादा संपत्ति है। रिपोर्ट के मुताबिक $3 मिलियन के आसपास इनका नेटवर्थ है। यही नहीं, गीता कपूर रियलिटी शो जज करने के लिए लाखों की फीस लेती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गीता माँ एक एपिसोड को चार्ज करने के लिए 15 लाख रुपए चार्ज करती है। बता दें आज के वक्त में वो एक रॉयल लाइफस्टाइल जीती है। उनका संघर्ष वाकई हैरान कर देने वाला है। उन्होंने 15 साल की उम्र में बतौर असिस्टेंट काम किया और अचानक से उनकी मेहनत रंग लाई कि वो बहुत बड़े बड़े मशहूर डांस को कोरियोग्राफ कर सकी। इसी के साथ आपको बता दें कि गीता ने कभी भी शादी नहीं की और वहीं उनको देखने से ऐसा लगता है कि गीता का जरूर दिल टूटा हुआ है। अक्सर उनसे शादी की बात की जाती है तो उनका कहना यही है कि उनको शादी जैसे अजीब बंधनों पर विश्वास नहीं है। लेकिन राजीव खिंची से गीता बहुत प्यार करती थी, ये बात तो सभी जानते हैं। हालांकि इस बात का किसी को भी नहीं पता कि अभी भी राजीव खिंची और गीता कपूर साथ में रिलेशनशिप में हैं या नहीं, क्योंकि जब ये दोनों रिलेशनशिप में भी थे तब भी ये अपने रिलेशनशिप को सबके सामने नहीं आने देते थे और सबसे चुरा कर रखते थे। लेकिन अब उनके जन्मदिन के मौके पर उनके सिंदूर को देकर सब कह रहे हैं कि काश गीता माँ भी शादीशुदा होती। इसी के साथ उनके पास इतना पैसा है कि शायद उनको शादी करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। वो खुद की लाइफ में इतनी खुश हैं कि उनको किसी के साथ लाइफ स्पेंड करना अच्छा ही नहीं लगा। जी हाँ, तो आपको बता दें उनका बॉयफ्रेंड, हालांकि अभी तक उन्होंने इस बात का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है कि क्या उनकी शादी हो गई है, लेकिन गीता ने कहा मैंने सिंदूर सिर्फ एक फोटोशूट के लिए डाला है। इस पे मेरे फैंस अगर चाहते हैं मेरी शादी हो जाए तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती क्योंकि मैं 48 इयर्स की हो चुकी हूँ और मैं अब तक कुंवारी हूँ। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।